आज मैं आपको EBL के बेनिफिट और प्रॉफिट वगैरह ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें काम क्या करना होता है और इसका बेनिफिट क्या है, कितने अकाउंट बनाने का कितना बेनिफिट आता है और पर पर्सन यानी पर पेयर कितना आपको मिलेगा, ये सब मैं आपको बताता हूँ। ये अभी मैं अपना पहला अकाउंट खोलता हूँ। मैंने इसमें 7 अकाउंट बना लिए हैं। ये मैं अपना पहला अकाउंट खोलता हूँ। ये मैंने अपना पहला अकाउंट खोल दिया। इसमें 600 रुपये टोटल इनकम हो चुकी है मेरे पास। इसमें मेरे 3 पेयर कंप्लीट हो गए। ये देखिए 3 पेयर कंप्लीट हो गए जिसके मैंने खुद ही अपने अकाउंट से कट लिए। मैं आपको सेकंड अकाउंट का दिखाता हूँ। ये सेकंड अकाउंट मेरा, ये मेरा सेकंड अकाउंट है। इस पे देखिएगा, ये देखिए इस पे 200 रुपीज़ करंट इनकम और 200 रुपीज़ टोटल इनकम आ गई है, लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है। वो इसलिए रिसीव नहीं हुई है क्योंकि कंपनी वाले 200 का विड्रॉ नहीं करते। अभी एक और ज्वाइनिंग होगी मेरे पास तो फिर ये पेमेंट भी आ जाएगी और दूसरे पेयर की भी पेमेंट मेरे पास आ जाएगी। अभी मुझे टोटल 600 रुपये रिसीव हो चुकी है। अभी ये 200 रुपये यहाँ के बाकी हैं और दूसरे अकाउंट के 200 रुपये भी बाकी हैं। ये मेरा थर्ड अकाउंट, मेरा थर्ड अकाउंट है। इसके भी 200 रुपये आ गए हैं लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है। जब तक एक और अकाउंट नहीं बनाता कंपनी कम से कम 300 तक के पेमेंट विड्रॉ करती है। इसका ट्री रिव्यू मैं आपको दिखाता हूँ। इसका ट्री रिव्यू आ गया। इसके नीचे एक पेयर बना हुआ है, ठीक है, दोनों मेरे अकाउंट के पेयर बने हुए। अब ये मैं आपको फोर्थ अकाउंट आपको दिखाता हूँ अपना। फोर्थ अकाउंट मेरा, इसके नीचे कोई अकाउंट नहीं बना हुआ। इसका डैशबोर्ड में 0 इनकम है। ये देखिए ट्री व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। इसके नीचे एक भी पेयर नहीं बना हुआ, ठीक है। इसके नीचे मैं एक पेयर बनाऊंगा तो मुझे 300 रुपीज़ रिसीव हो जाएंगे फर्स्ट पेयर के। इस अकाउंट के फर्स्ट पेयर के 300 रिसीव हो जाएंगे और मेरे जो पहले अकाउंट है उस पर 200 रुपीज़ रिसीव हो जाएंगे क्योंकि उसका ये थर्ड या फोर्थ पेयर बनेगा। फोर्थ पेयर बनेगा इस मेरे पहले अकाउंट का। अब ये फिफ्थ अकाउंट, और ये मैं आपको अपनी पेमेंट हिस्ट्री दिखा देता हूँ। मेरे पास रिसीव हो गई इजी पैसे में। ये मेरे पास 661 रुपये, 600 रुपये हो गए हैं। 61 रुपये तो पहले के होंगे। 600 रुपये मुझे यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं। अच्छा, इसमें मैं अभी आपको एक अकाउंट का बेनिफिट बताता हूँ और 3 अकाउंट से स्टार्ट करने का बेनिफिट भी बताता हूँ। तो एक अकाउंट का बेनिफिट ये है कि आप जो अपने अकाउंट के नीचे पहला पेयर बनाएंगे उसमें आपको फर्स्ट जो इनकम रिसीव होगी वो 300 रुपीज़ रिसीव होगी। फिर उसके बाद जितने भी पेयर आपके बनेंगे 200 200 रुपये करके रिसीव होगी। अब ऐसे ही आप अगर अपने
अकाउंट के नीचे अपना खुद का पेयर बना लें, अपने यानी तीन अकाउंट बना लें, और अपने पेयर के नीचे और यानी ज्वाइनिंग करवाएं, दूसरे अकाउंट की ज्वाइनिंग करवाएंगे यानी दूसरे पर्सन की ज्वाइनिंग करवाएंगे, तो आपको तीनों अकाउंट को प्रॉफिट होगा। आपके पहले अकाउंट को 200 रुपये मिलेंगे और आपका जो दूसरा अकाउंट होगा उसकी पहला उसका पहला पेयर होगा, जैसे आपके पहले पेयर को यहाँ पर 300 रुपीज़ मिले थे ना, वैसे ही आपके दूसरे अकाउंट को भी 300 रुपीज़ मिलेंगे, और जो आपका पहला अकाउंट है वहाँ आपको 200 रुपीज़ मिलेंगे। पहले अकाउंट को यानी इस अकाउंट को 200 रुपीज़ मिलेंगे, और बाकी ये वाला जो अकाउंट है इसको 300 रुपीज़ मिलेंगे, क्योंकि इसके नीचे ये दोनों पेयर यानी ये दोनों पर्सन ऐड हो गए। ठीक है, अब इसके साथ भी यही है, इसके नीचे ये दोनों पर्सन ऐड होगा, यहाँ पर 300 रुपीज़ आ जाएंगे, और इस यहाँ पर 200 रुपीज़ आपको यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे, यानी इन दोनों से आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप और अकाउंट बनाना चाहें तो और भी बना सकते हैं, बाकी अकाउंट बनाने के लिए मैंने पिन रिक्वेस्ट भेजी हुई है, वो आ जाएंगे, तो मैं अपने अकाउंट सारे कंप्लीट करके ज्वाइनिंग करवाऊंगा दूसरों की। और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।